Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, assalamu alaikum. Class 6, subject English, topic Musa Ali's camel. Main iske Musa Ali camel jo lesson hai aapki book mein iske humne do part pad liye hain. Aaj iska hum last part padhne ja rahe hain, part 3. Sama, it is so great to see the camel cough clinging to Musa Ali. Sama ye keh rahi Musa Ali se ki मैं ये मेरे लिए खुशी की बात है इट इज सो ग्रेट टू सी जब मैंने ये देखा जो कैमल काफ है आपके पीछे आपके साथ टाइट आपको कैमल काफ है आपको पकड़ के रखा है ये मुझे बहुत ही खुश लगा है मूसा अली जवाब दे रहे कैमल सामा को आई हैव मेनी टाइम्स ट्राइड टू फाइंड द कैमल काफ्स मदर मूसा अली ने जवाब ये कहा कि मैंने बहुत टाइम कोशिश की कि उसकी माँ कैमल काफ की जो माँ है उसको मैं उसको ढूंढ मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो मैंने यहाँ पर नहीं पाया so that the camel can join its herd ताकि ये जो camel calf है जो अपने herd अपने group में join करे because I take it as my moral duty ये मुझ पर अखलाकी फर्ज है कि मैं इस camel calf को अपने जो उनका group होता है herd के माने large group of animals जो इन camel calves का group हो जो camels का group होता है मैं उस group में उसको छोडूं लेकिन डोरमा इट इज सो हैप्पी विद यू मगर डोरमा उसको कह रही है मूसा अली को इट ट्रीट्स यू एज इट्स मदर डोरमा ये मूसा अली से कह रही है लेकिन ये बहुत खुश है कैमल काफ आपके साथ बहुत खुश है और आप इसको एज ए मां ट्रीट कर रहे हो इट ट्रीट्स यू एज इट्स मदर ये आपको बसीर मदर समझ रहे हो कैमल काफ द मोस्ट नोटेबल फीचर ऑफ रेक्टल कैमल इज टू हम्पस खास जो कैमल काफ के बारे में कैमल काफ के बारे में खास चीज ये है कि इसके दो हम्पस होते हैं जो आपके बुक पर दिया गया है एक कैमल काफ है इसके ऊपर जो दो है जो दो हम्पस होते हैं हम्पस के माने कोहान दो हम्पस होते हैं एट द हम्प द एवरेज हाइट ऑफ द कैमल इज 7 फीट जो इस कैमल काफ का जो इस कैमल की जो हाइट होती है इंक्लूडिंग हम्प 7 फीट उसकी हाइट होती है A common misconception is that camel's humps are used for storage of water. एक misconception है हमारे जहन में हम सब के जहन में ये है कि जो camel calf के जो ऊपर जो होते हैं ये humps होते हैं उनमें water store किया जा रहा है लेकिन ऐसी बात नहीं है In reality, the humps contain a huge amount of fat, approximately 36 kgs. लेकिन हकीकत ये है जो इसके ऊपर जो ये humps होते हैं उनमें 36 kgs फेट के माने चर्ब इनके इनमें इन हम्पस में 36 केजीज फैट मौजूद होता है विच इज यूज्ड व्हेन द फूड इज स्केसी ये उस वक्त ये फैट इस्तेमाल करता है ये कैमल जिस वक्त उसको गुजा की कमी महसूस होती है दिस फीचर गिव्स द कैमल्स द एबिलिटी टू ड्राइव फॉर मेनी डेज विदाउट फूड ये जो ये फीचर इस कैमल में होता है कि जो इसके दो हम्पस होते हैं ये जो ये इसके दो हम्पस होते हैं ये इसको ये उसको ये अहमियत देता है हम ये समझ रहे कि ये उसको जब ये इसमें जो फेट होता है ये उसको इस्तेमाल करता है जब उसको गुजा की कमी महसूस होती है और बहुत दिनों तक वो गुजा के बगैर भी रह सकता है और इस फेट को बहसीर गुजा अंदर बाई नेचर इस्तेमाल करता है सामा Nowadays, one hardly finds harmony between man and animal. सामा ये कह रहे हैं मूसा अली से लेकिन आज अजीब सा लग रहा है कि आज between man and animal harmony नहीं है harmony के माने agreement और concord हम आंगी दोस्ताना इस वक्त के दौर में man and animal there is no harmony आज ये harmony नहीं लग रहा है Nowadays, one hardly finds harmony between man and animal. इस दौर में animal और man के दरमियान harmony नहीं हम देख सकते हैं इट सीम्स दैट द टू को कैनॉट को एग्जिस्ट हमें यह लग रहा है कि ये आपस में को एग्जिस्ट नहीं है मैन एंड एनिमल आपस में को एग्जिस्ट नहीं है को एग्जिस्ट के माने है एग्जिस्ट एट द सेम टाइम किसी दूसरे के साथ मौजूद होना आज ये नहीं लग रहा है कि ये एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट है एनक्रोचिंग अपॉन द एनिमल वर्ल्ड डिप्राइव्स द एनिमल वर्ल्ड ऑफ द हैबिटेट आज इस दौर में हम लोग जो एनिमल वर्ल्ड होता है इस पर हमने इनक्रोच किया है कब्जा किया है उनकी दुनिया पर एनिमल्स की दुनिया पर हमने इनक्रोच किया है कब्जा किया है डिप्राइव्स द एनिमल वर्ल्ड ऑफ देयर हैबिटेट जो उनका जो हैबिटेट होता है हमने उनको महरूम रखा है इस हैबिटेट से एवरी नाउ एंड देन वी हियर आज हर तरफ
हरसो हम ये बात सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? वी हियर अबाउट अ टाइगर किलिंग अ मैन एंड मैन किलिंग अ टाइगर। टाइगर ने इंसान को मार डाला है और इंसान ने टाइगर को मार डाला है। आज हम यही बात सुन रहे हैं। मुसाली द पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरियल किंगडम इज आल्सो डिक्लाइनिंग करंटली। मुसाली ये कह रहा है कि दिन ब दिन बैक्टीरियल किंगडम की जो आबादी है ये बिल्कुल कम हो जाते हैं, डिक्लाइनिंग हो जाती है, बिल्कुल दिन ब दिन इनकी जो तादाद कम हो जाती है। द बैक्टीरियल किंगडम इज फाउंड ओनली इन मंगोलिया। बैक्टीरियल किंगडम जो है ये खाली मंगोलिया में पाया जा रहा है, चाइना में एंड लद्दाख और लद्दाख नोबरा में पाया जा रहा है। एंड द नंबर ऑफ वाइल्ड बैक्टीरियल किंगडम इज अ फ्यू थाउजेंड वर्ल्ड वाइड। आज कुछ हजार few thousands of camel wire we can see at this time in the worldwide. However, the encouraging thing is Nobra is that it is increasing in number. Lekin khushi ki baat ye hai, encouraging ki baat ye hai, hausla afza ki baat ye hai ki Nobra Valley mein jo Ladakh mein hai wahan par inka number din ba din badhta ja raha hai, that it is increasing in number, wahan par inki tadad badh rahi hai din ba din Nobra mein. डोरमा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। डोरमा मूसा अली से क्या रहे इसके पीछे क्या वजह है कि वहां पर इनकी तादाद बढ़ रही है। सामा ओबियसली माने एनिमल रिलेशनशिप। सामा ये कह रहे हैं कि वहां पर ओबियसली के माने हैं ओबियसली क्लियरली जाहिर तौर पर वहां पर ये लग रहा है कि वहां पर मैन एनिमल रिलेशनशिप है, वहां पर मैन एनिमल के दरमियान एक अच्छा तौर मेल है। सो दैट इज द रीजन द नंबर ऑफ बैक्टीरियल किंगडम camels increasing day by day in Nobra. Didn't you notice the camel corpus love for Musa Ali? Sama ye keh rahe ki aapne nahi dekha hai ki jo yahan par relation maine dekhe hai camel corpus aur Musa Ali ke darmiyan unke darmiyan bahut aapas mein taalmel hai. Musa Ali it is a symbiotic relationship. Ye kya hai, ye symbiotic relationship hai. Symbiotic ke maane use of organisms especially of different species living together but not necessarily in a relation beneficial to each. Hum jis tarah usko bol rahe hain Musa Ali ke, it is a symbiotic relationship. Hum aapas mein yahan par jo Nobra mein hame aapas mein symbiotic relationship hai. A hope for the wild bacterial kingdom to survive and grow. हमारा मकसद यह है कि बैक्टीरियल केमल की तादाद यहाँ पर एक ये कि ये सर्वाइव कर पाए यहाँ पर, और दूसरा कि उनकी नंबर बढ़ जाए विच हैज अदरवाइज ऑलमोस्ट रीच्ड द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। हालांकि यहाँ पर इनकी तादाद बिल्कुल घट गई है, लेकिन हम ये यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ जाए। डोरमा वेल मूसा यू हैड टेकन अ चांस टू लुक फॉर द रीयूनियन ऑफ केमल कॉ with its herd but could not find the corpse mother. Dorma ye keh rahe well Musa Ali, Musa aapne bahut acha kiya, you have taken a chance to look for the reunion of the camel corp. aapne ye koshish ki aapne reunion kiya hai, aapne is camel corp se bilkul taalmel rakha hai with its herd taaki apne herd mein jaye, but could not find the corpse mother. lekin wahan par उसकी माँ आपने नहीं पाई। सो द स्टोरी गोज ऑन बिटवीन द टू ऑफ यू। डोरमा ये कह रहे ताकि जो हमें स्टोरी पढ़ जो कहानी हमने पढ़ी वो जो स्टोरी है वो खाली आप और कैमल कॉप के दरमियान है। सो द स्टोरी गोज ऑन बिटवीन द टू ऑफ यू। मूसा यस द कैमल कॉप इज माई कंपेनियन। मूसा अली उसको डोरमा को ये जवाब दे रही है। यस मूसा अली जवाब दे रहा है डोरमा को, यस द कैमल कॉप इज माई कंपेनियन। कैमल कॉप जो है ये मेरा कंपेनियन है, मेरा दोस्त है। एंड द टू ऑफ अस विल फेस द हार्ड टाइम्स एहेड ऑफ अस टुगेदर। हमें अगर हमें आगे भी कितना भी मुश्किल हो जाए लेकिन हम इकट्ठे रहेंगे। बाकी वसलम।